उन्नाव की रेप पीड़िता की बीती रात दिल्ली में मौत के बाद यूपी में सियासी पारा एकाएक चढ़ गया है, जहां एक तरफ मृत पीड़िता के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नाव के लिए रवाना हो चुकी हैं, वहीं सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधान भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। यहां उनका साथ देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल व राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी भी धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्नाव की बेटी जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी वह नहीं बची। और उसके बाद उन्नाव की घटना उसी हुई। उन्नाव की जो घटना ये भाजपा पार्टी की सरकार की सरकार में पहली नहीं है। उसके आखिरी शब्द भी यही थे कि वो जिंदा रहना चाहती थी। उन्नाव की बेटी वो जिंदा रह करके और डॉक्टरों से यही कह रही थी कि क्या वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी हमसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में ये पहली घटना नहीं है, बीजेपी सरकार में बेटियां न्याय मांग रही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने अंत में ये भी कहा कि जब तक यूपी के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और डीजीपी रिजाइन नहीं करते, पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। कल हम पूरे राज्य के सभी जिलों में उन्नाव रेप केस को लेकर शोक सभाएं करेंगे। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, वो द टाइम्स।